महाराज, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यहाँ से 50 गज की दूरी पर है और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए अंदर से भी एक रास्ता तैयार किया गया है। महाराज, आपकी एक एक हिदायत के अनुसार ये डेरा तैयार किया गया है और हाँ, हर चीज का पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। नागराज, आप तो जानते हैं कि आज से ठीक 5 दिन बाद जापान आपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुंचेंगे। जी महाराज, सारी तैयारियां कर दी गई हैं। ये बताइए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम? डेरा के चारों तरफ पहरेदार तैनात हैं महाराज। नागराज, आप तो जानते हैं ना कि डेरे के अंदर एक छोटे से छुरे के ले जाने की भी मनाही। हाँ महाराज, पर ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। आखिर जहाँ पनाह के सुरक्षा कर्मी उनकी कैसे सुरक्षा करेंगे? कम से कम सुरक्षा कर्मियों के पास तो हथियार होने चाहिए। दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया हथियारों के सख्त खिलाफ थे, इसलिए जियारत के दौरान जहाँ पनाह अपने सारे हथियार डेरे से बाहर छोड़ कर आते। पर महाराज, जहाँ पनाह के इतने सारे दुश्मन हैं और सबको पता होगा कि जहाँ पनाह और उनके अंगरक्षक इन 7 दिनों तक निहत्ते होते हैं, तो कोई भी इस मौके का फायदा उठा सकता है। नागराज, कोई भी लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती। वैसे अच्छा लगा ये देख करके आप जहाँ पनाह के इतने फिक्रमंद। बहुत जल्दी तरक्की करेंगे आप। शुक्रिया महाराज। चलिए, अब हमें मुख्य द्वार की सुरक्षा के बारे में बताइए। आइए महाराज। महाराज, मुख्य द्वार से अंदर कोई एक सुई तक नहीं ले जा सकता। मर्द और औरतों के लिए एक सैनिक तैयार किए गए हैं महाराज, और वैसे हम भी यहीं रहेंगे। हर सामान को खोलकर देखा जा रहा है महाराज, सुरक्षा जबरदस्त है महाराज। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं नागराज, हमें 2 साल पुराना एक वाकया याद आ गया। इसी तरह का डेरा लगा हुआ था और रुकिए, भंडारा वहाँ डेरे के बाहर लगा हुआ है, आप लोग खाने के लिए वहाँ चले जाइए। बेटा, हम खाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो जहाँ पना से मिलने आए हैं। जहाँ पना अभी ज्यारत में मशरूफ है, अभी वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं बहुत बीमार हूँ, अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। बड़ी आरजू है जहाँ पना को देखने की, एक बार इजाजत दे दो जहाँ पना से मिलने की। माता जी, मैंने कहा ना, जहाँ पना ज्यारत में मशरूफ है, अभी वो किसी से नहीं मिल सकते। हम यही डेरे पे इंतजार करेंगे और उनके ज्यारत के आने के बाद मिल लेंगे। एक बार मरने से पहले एक बार हमें मिल लेने दो। मगर बेटा, इस बीमार बुढ़िया की बात मत काटो, एक बार मिल लेने दो बेटा। ठीक है माता जी, अंदर जाइए और जहाँ बना का इंतजार कीजिए। रुक जाइए। प्रणाम माता जी। इस उम्र में आपके बाल काफी काले, लंबे और घने। कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं आप, हमें बताइए, हम भी लगाएं। वो बेटा, बचपन से ही बाल ऐसे हैं हमारे। अच्छा, लेकिन माता जी, इतने काले, इतने घने और इतने लंबे बाल हमने आज तक नहीं देखे। हम आपके ये बाल देखना चाहेंगे, क्या आप हमें अपने बाल खोल के दिखाएंगे? माता जी, शायद आपने सुना नहीं हमने क्या कहा, हम आपके बाल खोल के देखना चाहते। माता जी, अपने बाल हमें पकड़ लो। से इस उम्र में इतने काले, लंबे और घने, ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे। ऐसा भी होता है महाराज? होता है नागराज, होता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हर बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, बीमार, अपंग, हर एक को शक की नजर से देखें, तभी आपकी सुरक्षा कड़ी होगी। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। बहुत अच्छी। ये अकबर के डेरे की पूरी तस्वीर है। ये तंबू है अकबर की और इसके पीछे। भाईजान,
आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस डेरे के अंदर एक सुई तक ले जाना नामुमकिन है। फिर हम अकबर को मारेंगे कैसे? इस बात की फिक्र तुम लोग मत करो, इस बार डेरे के अंदर हथियार पहुंचा कर दूंगा। तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि डेरे के अंदर अकबर को कब, कहां और कैसे मारोगे। लेकिन भाईजान, हमारे आदमियों ने पहले भी हथियार अंदर ले जाने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ, सब पकड़े गए। अब आप क्या करेंगे, हथियार कैसे अंदर भिजवाएंगे? अभी दिखाता हूं। ये जुग्गी है, हमारा खास आदमी, यही हथियारों को डेरे के अंदर तक पहुंचाएगा। लेकिन अब्बा हुजूर कैसे? रबानी यजानी, तुम दोनों इसकी तलाशी लो। जी भाईजान। और मुझे बताओ कि क्या इसके पास कोई हथियार है? भाईजान, फिलहाल तो इसके पास कोई हथियार नहीं है। कोई हथियार नहीं है ना? जुगी, अपने हथियार दिखाओ। हथियार तैयार। अब्बा हुजूर, इतनी धार धार चीज इसने अपने हलक के नीचे से कैसे उतार ली? यही तो खासियत है इस जुग्गे की। ये तो कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी तीन और गुप्तियों के फाल को ये अपने पेट में छिपा कर रख सकता है। जुग्गे, कमाल का बंदा है भाईजान। भाईजान, इसके पेट में हम चार फाले अकबर के डेरे तक पहुंचा सकते हैं। भाईजान, इसकी मुठ कैसे ले जाएंगे? उसका भी इंतजाम कर दिया है हमने। अब इन मुठों को हम इस बाजे के साथ इस तरीके से लगाएंगे कि ये इस बाजे का हिस्सा बन जाएगा और किसी को कोई शक नहीं होगा। लेकिन अब्बा हुजूर, हम बाजा लेकर ही क्यों जाएंगे? अकबर के डेरे में जाने वाले हर आदमी पर कड़ी नजर रखी जाती है, इसीलिए तुम लोग कव्वाल बनकर जाओगे, किसी को कोई शक नहीं होगा। डेरे में क्योंकि कोई भी हथियार नहीं होता, इसीलिए तुम लोगों को अकबर को मारने में काफी आसानी होगी। उसको मार कर तुम लोग बाहर आओगे, जहां हमारे आदमी तुम्हें मिलेंगे। अब्बा जान, बहुत दिनों के बाद हमें अपना बदला चुकाने का मौका मिला। बस आप दुआ कीजिए कि हम कामयाब हों। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम लोग अब बिना देर किए अजमेर के लिए कूच करो, और इस बार अकबर को मारने के बाद ही वापस लौट। इंशाल्लाह। आमीन। वाह 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 वाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अंदर के इंतजाम भी उतने ही अच्छे करवाए होंगे जितने बाहर के ये इंतजाम आपने अच्छे करवाए। जी जहांपनाह, ये हमारी सिपाहियों की मेहनत है। जहांपनाह, इस बार रानी साहिबा नहीं आई, आप जानते हो? नहीं, बड़ी फिक्र हो रही है। रानी साहिबा की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए वो आ नहीं पाई, और उसी की वजह से उनकी मासा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, वो भी नहीं आ पाई। जहांपनाह,
आप सफर से आए हैं, थक गए होंगे। चलिए अपने तंबू में आराम कर लीजिए। चलिए आइए। शाही खून है हम, और हम ये जानना चाहते हैं कि राज नर्तकी उर्वशी का तंबू किधर है। वो पास में उर्वशी जी का तंबू है। शाही खून है हम नागराज, और हम ये चाहते हैं कि हमारे ठहरने का इंतजाम भी उर्वशी के बगल वाले तंबू में किया जाए। नहीं नहीं हुजूर, आपके ठहरने का इंतजाम तो जहाँ पना के तंबू के पास किया गया है, वहाँ तो वासुदेव जी के ठहरने का इंतजाम किया है। बेवकूफ, शाही खून है हम नागराज, हमारे ठहरने का इंतजाम करना चाहिए था उर्वशी के बगल वाले तंबू में। नहीं 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 सलीम भाई साहब, उर्वशी के पास वाले तंबू में तो सिर्फ मैं ही रुकूंगा। हम रुकेंगे। मैं रुकूंगा। हम रुकेंगे। मैं रुकूंगा। हम रुकेंगे। रुको। क्या है? कद्दू हजूर, बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। ठीक है ले जाओ। रुको। जी हजूर। ठीक है, जाने दो इसे। कौन है आप लोग? हम कव्वाल हैं हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाब के अदब में कव्वालियाँ गाते हैं। यहाँ बादशाह सलामत को ख्वाजा गरीब नवाज की कव्वालियाँ सुनाएंगे। पहले कभी नहीं देखा आपको यहाँ पे। अरे हुजूर, आप हमें कहाँ से देखेंगे? आप तो खुद ही यहाँ अजमेर में साल में एक ही बार आते हैं, और हम तो यहाँ की गलियों में ख्वाजा ख्वाजा कहते हुए बड़े हुए हैं। ठीक है भाइयों, इनके सामान की तलाशी लो। ये क्या है? ये बाजे का हिस्सा है हुजूर। बाजे का हिस्सा या वजीर आजम? मुझे तो ऐसा लग रहा है बाजे का हिस्सा नहीं, किसी हथियार का हिस्सा हो। अरे नहीं नहीं हुजूर, बाजे का हिस्सा ही है कसम से। आप जैसे शूरवीर के होते किस नामुराद की हिम्मत कि किसी फिजूल चीज को यहाँ पर लेकर आए। हमें ये बाजे का हिस्सा ही लगता है। लीजिए इन सब की तलाशी लो। वजीर आजम, सब कुछ ठीक है। ठीक है? हाँ जी। तलाशी पूरी हो गई? हाँ। ठीक है, इन्हें जाने दो। कव्वालों की रहने की व्यवस्था वहीं और कर दी गई है। चलो आओ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अकबर का तंबू, जिसके बाहर सिर्फ दो ही निहत्थे पहरेदार हैं। किसी तरह बस तंबू के अंदर जा सकते तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। देख पासू मेरे भाई, हम तुझसे पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं
कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उर्वशी को हम ही लेके जाएंगे। अच्छी बात है। लेकिन सलीम भाई साहब, मैं आपसे पहले भी, पहले के पहले भी, आज भी, आज के बाद भी, बात के बाद भी, बात के बाद, बात के बाद, बात के बाद भी आपसे यही कहता रहूंगा कि उर्वशी जी को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मैं ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। उर्वशी को हम लेके जाएंगे। उर्वशी को मैं लेके जाऊंगा। उर्वशी को हम लेके जाएंगे। उर्वशी को मैं लेके जाऊंगा। उर्वशी को हम लेके जाएंगे। उर्वशी को मैं लेके जाऊंगा। लेके जाएंगे। सलीम भाई साहब, ये क्या आपको गिनती में नहीं आती? ये क्या, मैंने आठ करे, आपने भी आठ करे, ये क्या हुआ? क्या उर्वशी को आप अपने साथ लेके जाओगे? अरे उर्वशी को मैं लेके जाऊंगा। जाओ, आपको तो गिनती भी नहीं आती, क्या लेके जा सकते हो? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, उर्वशी को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये आठ, ये दस, ये नहीं लेके जाऊंगा, बस। क्या कीर्तन? नहीं लेके जाऊंगा। चचा जान, ये अकबर का बेटा है, शहजादा सलीम। निहायती बेवकूफ है ये चचा जान। अब ये ही हमें अकबर के तंबू के अंदर लेकर जाएगा। भला ये क्यों हमें अकबर के तंबू के अंदर ले जाएगा? बस चचा जान, थोड़ी चुगात लगानी पड़ेगी। ऐ खुदा, आपने हमें पैदा किया, सुभान अल्लाह, आपने उर्वशी को पैदा किया, माशाअल्लाह, लेकिन आपने वासु को पैदा किया? जहां पना के हुजूर में नाचीज का सलाम। शहजादे, ये आप क्या कर रहे हैं? शाही खून है हम अपने दिमाग की कसरत कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारा फौलादी दिमाग और फौलादी हो जाता है। लेकिन आप कौन है मोहतरमा? शहजादे, हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कव्वाली गाते हैं। उस्ताकी माफ शहजादे, लेकिन अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आपको रास्ता बताएं। कहाँ का? मोहतरमा उर्वशी के दिल का शहजादे। माफी की तलबगार है शहजादे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ताबीज पहनेंगे तो उर्वशी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। ताबीज? हाँ शहजादे, ताबीज। शहजादे, हम आपको एक ताबीज लाकर देंगे, उसे आप अपने गले में पहनिएगा और फिर देखिए कैसे उर्वशी पागलों की तरह आपके पास भागी भागी आ जाएगी। शहजादे, सच? मुझ? कितनी मोहरे चाहिए आपको? हमारा मतलब है कि उस ताबीज की कितनी कीमत होगी? शहजादे, ताबीज की कीमत नहीं, लेकिन अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक बार करीब से हमें जहां पना से मिलवा दीजिए। किससे? जहां पना से शहजादे? आपको अब्बा हुजूर से मिलना है? हाँ शहजादे। आपको मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर से मिलना है? हाँ 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 शहजादे, हमें उन्हीं से मिलना है। लेकिन उनसे मिलके आप क्या करेंगी? हमारी बचपन की तमन्ना है उनसे मिलने की। पता नहीं कैसी कैसी तमन्ना रखते हैं लोग बचपन से। ये भी कोई तमन्ना है? चलिए ठीक है, शाही खून है हम। आज रात को खाने के बाद हम आपको अब्बा हुजूर से मिलवाने उनके तंबू में ले चलेंगे।
पर्चे साबित? अरे शाही खून है हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन वो ताबीज हमें कब तक मिलेगा? शहजादी, ताबीज को आने में 2-4 दिन का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे कहकर जल्द से जल्द ताबीज आपको दे देंगे, ताकि जल्द से जल्द आपकी उर्वशी आपकी हो जाए शहजादे। शहजादे, तो आज रात को खाने के बाद आप हमें पक्का जहां बना से मिलवा देंगे? अरे शाही खून है हम, हमने जो कह दिया तो कह दिया। हम चलते हैं। आज ये मौका छोड़ेंगे नहीं। सुनिए चचा जान, बादशाह अकबर गरीब नवाज की दरगाह से वापस लौटा है और उनका खाना पीना भी हो गया है। आप तैयार हो जाइए, सलीम अपने सैनिक को भेजकर हमें बुलाने वाला ही होगा। जुग्गी, ये गुप्ती अपने पेट में डालो। भाईजान, इसने फाले तो अंदर डाल लिए, लेकिन मुठे? हम अकबर से मिलने बाजा लेकर तो नहीं जा रहे, तो मुठों को कैसे ले जाएंगे? हाँ चचा जान, आप एकदम सही फरमा रहे हैं, इसके बारे में तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा और ना ही हमारे पास इतना वक्त है। चचा जान, हम सब इन मूठों को एक एक करके हमारे हाथों में लेकर जाते हैं। पर तुमने ये सोचा है कि अगर किसी ने पूछ लिया ये है क्या, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? चचा जान, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे बाजे का हिस्सा है और ये हमारे लिए शुभ है, इसलिए हम हमेशा इसे साथ में रखते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। शहजादे सलीम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं जहां पनाह के तंबू के पास। ठीक है, हम आते हैं। इंतजार के लिए माफी के तलबगार हैं हम शहजादे। शाही खून है हम, हमने आपको माफ कर दिया। आप ताबीज लेके आए? शहजादे, हमने ताबीज बनाने वाले से बात की है और 2 दिनों में आपका ताबीज तैयार भी हो जाएगा। और शहजादे, ताबीज बनाने वाला कह रहा था कि ऐसा ताबीज बना दूंगा कि उर्वशी दौड़ी दौड़ी खींची चली आएगी आपके पास। शाही खून है हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम आपसे इतने खुश हैं कि अब हम रोज आपको अब्बा हुजूर से मिलवाएंगे। शहजादे, रोज की छोड़िए, आज तो हमें जहाँ बना से मिलवा दीजिए। अरे हाँ हाँ, तो आइए 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 आइए। चचा जान छुड़ाइए हमें, ये क्या हो गया? कोई आए बचाए। चचा जान छुड़ाइए। अरे छोड़िए, अरे एक मिनट टटिए। चचा जान, अरे कोई चचा जान छुड़ाइए हमें। जहां बना के तंबू के दरवाजे में दोनों ओर शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ है। आप कोई भी धातु की चीज पहनकर या लेकर अंदर नहीं जा सकते। शाही खून है हम, लेकिन हम आपको ये बताना भूल गए कि आप कोई भी जेवर पहनकर अंदर नहीं जा सकती। आप ऐसा कीजिए कि अपने सारे जेवर उतारकर यहीं रख दीजिए, जब वापस आएंगी तो पहन के चले जाना। नहीं शहजादे, वो क्या है ना,
बात जेवरों की नहीं है, हमारे तो पूरे कपड़े ही सोने चांदी से बने हुए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अपने कपड़े उतार कर रख दीजिए, वापस आकर पहन लेना। क्या आपको कपड़े बदल कर आने होंगे? कोई बात नहीं शहजादे, हमारी किस्मत में नहीं होगा आज जहाँ पनाह से मिलना, हम अगली बार उनसे मिल लेंगे। मोहतरमा, आप अपना ये सामान भूल कर जा रहे हैं। अब ये हमारे बाजे का हिस्सा है, मैं इसे ना हमेशा अपने साथ रखती हूँ, मेरे लिए शुभ है। लगता है ये इनके लिए भी शुभ है, देखिए ना सबके हाथ में है। वो क्या है ना, मेरे कहने का मतलब यही था कि हमारी टोली के लिए ये शुभ है, हम जहाँ भी जाते हैं इसे अपने साथ में ही रखते हैं, बहुत मानते हैं हम इसे। बस और कोई बात नहीं है। हमने कब कहा कि और कोई बात, चलिए आप जाकर आराम कीजिए, शबा खैर। शबा खैर। कपड़े उतार के बदल के ये क्या किया तुमने सहनाज, हम जेवर उतार कर अंदर जा सकते थे, इतना अच्छा मौका था, पता नहीं तुम क्यों वापस लौट आई। चचा जान थोड़ा सब्र से काम लीजिए, आपने देखा नहीं चचा जान कैसे उस दीवार पे इतना बड़ा चुंबक चिपका हुआ था, और हमारा ये कड़ा कैसे उसके साथ चिपक गया था, कितनी मुश्किल से हमने छुड़ाया। हाँ पर चुंबक इसके पेट में रखे औजारों को थोड़ी ना चिपका लेता। क्या पता चचा जान, क्या पता, हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। और आपने देखा नहीं वो बीरबल कैसे वहां पे खड़ा था, वो बेहद ही चालाक और शातिर इंसान है, उसे अगर इतना सा भी शक हो जाता ना हमारे ऊपर तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता वो, और हमारी जान जाती सो अलग। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है चचा जान, हम जानते हैं, आपको पता है ना हम अकबर को मारने की कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, और आज इतना करीब पहुंचकर हम सारा खेल बिगड़ने नहीं दे सकते। अब न जाने कब मौका मिलेगा सहनाज। कल रात को हम बादशाह अकबर के सामने अपनी कव्वाली पेश करने वाले हैं। जब कव्वाली उर्क पर होगी तो ये झुकी कव्वाली पर झूमता हुआ उठेगा और नाचता हुआ फालों को निकालकर हमें पकड़ाएगा, और हम उस निहत्ते अकबर और उसके अंगरक्षकों पर हमला करेंगे। तशरीफ रखिए। खुदा की बंदगी में तैयार की गई आपकी कव्वाली पेश कीजिए। वो शम्मा जिसने भी देखी वही परवाना बन बैठा, मैं भी नूर मोइनुद्दीन का दीवाना बन बैठा। नाचीज बंदे को भी फर्दे मौत भर कर दे तू फर्दे मौत भर कर। सवाली बन के आया हूँ तेरे दर पे मेरे मालिक, सवाली बन के आया हूँ तेरे दर पे मेरे मालिक, कभी तो मेरी जानिब भी इनायत की नजर कर दे, इनायत की नजर कर दे, इनायत की नजर कर दे।
किस दर जाऊं, छोड़ कर ख्वाजा को किस दर जाऊं, या तेरा हो रहूं या के मर जाऊं, या तेरा हो रहूं या के मर जाऊं, छोड़ कर ख्वाजा को किस दर जाऊं, या तेरा हो रहूं या के मर अपना ख्वाजा गरीब नवाज के दर से शरबत आया तो पहले शरबत पी लेते हैं और फिर रात भर कवाली जारी रहे। सिपाहियों शरबत पेश किया जाए। ये आपके लिए लीजिए लीजिए। अरे आप भी पीजिए पीजिए पीजिए, बहुत बढ़िया शरबत पीजिए। क्या हुआ? चलिए निकालिए निकालिए। सिपाहियों पकड़ लो इन्हें। सब क्या है बीरबल? जा पना ये लोग आपको यहां मारने आए। ये जुग्गी मियां, जुग्गी मियां एक मदारी और इनमें एक खास हुनर है जाप। गुप्ती के चार चार फले एक साथ अपने पेट में छिपा कर रखते हैं और वक्त आने पर उसे निकालते हैं। और इसी गुप्ती की मुट्ठी यानी कि ये अपने बाजे का हिस्सा बनाकर लाते हैं। अब अभी आपको बता दें, ये रही गुप्ती, ये रही मुट्ठी, ये बन गया हथियार। इस गुप्ती का एक ही बार सामने वाले इंसान का खात्मा हो जाता है। तुम खुद से बताओगे कि किसने तुम्हें यहां भेजा या हम अपना तरीका इस्तेमाल करें? जापना ये सारा खेल इस मोहतरमा का रचा है। मोहतरमा आगे आएंगे। ये रहा आपका हथियार। अब बताइए जापना को कि ये सब आपने क्यों किया?
चाल तो आपने बहुत अच्छी चली थी मोहतरमा, पर आप एक बात भूल गई, हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की जान लेना इतना आसान नहीं। जब ना पहली बार हमें इन पर शक तब हुआ जब हमने देखा कि सारा का सारा कुनबा आपके करीब आने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं शहजादे, हमारी किस्मत में नहीं होगा आज जहां पना से मिलना, हम अगली बार उनसे मिल लेंगे। मोहतरमा, आप अपना ये सामान भूल कर जा रहे हैं। अब ये हमारे बाजे का हिस्सा है, मैं इसे ना हमेशा अपने साथ रखती हूँ, मेरे लिए शुभ है। इस वाक्य के बाद जापाना हमने इन पर नजर रखना शुरू किया और इनकी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। ये क्या करना चाहते थे, कैसे करना चाहते थे, ये तो हमारी समझ में आ गया जापाना, पर ये क्यों ऐसा करना चाहते थे ये अब भी हमारे लिए भी गुत्थी बनी। मोहतरमा बताइए, आप क्यों जापाना की जान लेना चाहती थी? हम राजा बलोच की बेटी हैं। ये सारा षड्यंत्र हमने इसलिए रचा क्योंकि हम अपनी वालिद की हार का बदला लेना चाहते थे, मारना चाहते थे आप। काश कि हम एक ऐसे फकीर की बारगाह में ना होते जिसने दुनिया को सिर्फ प्यार करना सिखाया, तो हम आप लोगों का ऐसा हश्र करते कि आप याद रखते। कायरों की तरह पीठ पर वार करने वालों को हम वाफ नहीं करते। आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए ख्वाजा गरीब नवाज का, जिनकी वजह से आज आपकी जान बख्शी जा रही है। जी हाँ, हम आप सबको मुआफ करते हैं। लड़ाइयों से ना कभी इंसान का भला हुआ है ना इंसानियत का, फिर भी अगर आपको लड़ाई करने का इतना शौक है तो अगली बार सामने से वार करने की हिम्मत रखिए, इस तरह कायरों की तरह पीछे से नहीं। जाइए जरा जल्दी से हमारी नजरों के सामने से हट जाइए, आप सब जा सकते हैं सिवाय इस मदारी जुग्गी मियां। जापाना, मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं, माफी तो आपको तब मिलेगी जब अपना हुनर दिखाकर आप हमें खुश करेंगे। जरूर जापाना। बहुत ही अच्छे।
आपका हुनर तो कमाल का है। जाइए, हमने आपको मुआफ किया, मुआफ तो कर दिया हमने आपको, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ हिंदुस्तान आइए, आपकी कला के सच्चे कद्रदान आपको वहीं पर मिलेंगे जो आपसे आपकी कला का, आपके हुनर का गलत इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। आइए हिंदुस्तान आइए। जय पनाकी। जय।